ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी वाज टॉकिंग अबाउट मिसेस जॉर्डी ओकेंटब के कन्वर्सेशन चल रही थी मिसेस जॉर्डी ओकेंटब की के हवाले से, उससे रिलेटेड बिटवीन ही एंड शी। और कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ही इज़ आस्किंग अबाउट हर करेक्टर अबाउट मिसेस जॉर्डी ओकेंटब्स करेक्टर टू शी, के चूँकि ये स्टैन थॉट में ही रहती है और मिसेस जॉर्डी ओकेंटब के बारे में भी ये जानता है कि वो भी स्टैन थॉट में रहती है, तो ये जो है मिसेस जॉर्डी ओकेंटब के बारे में शी से ओपिनियन ले रहा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। और बात अब यहाँ तक आ गई है कि ही वॉज आस्किंग अबाउट हर करेक्टर, हर अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस के बारे में। अब जब वो ये कहता है कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ वीमेन, सम आर गुड एंड सम आर नॉट, कुछ तो वो होती हैं जो नेक होती हैं, कुछ वो जो नेक नहीं होती, तो शी वो आस्ट, वो सवाल करती है कि तुम मिसेस जॉर्डी ओकेंटब को किस कैटेगरी में रखोगे, इन द कैटेगरी ऑफ पायस वीमेन और इन द कैटेगरी ऑफ दोज वीमेन हु आर नॉट पायस, जो नेक नहीं होती, क्या तुम उनमें उसको शुमार करोगे? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ये कहता है कि नथिंग लुक हियर, यू नो दिस वूमेन, तुम तो जानती ही हो उसके बारे में, एंड यू नो व्हाट शी डिड, और तुम ये भी जानती कि उसने किया क्या है, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? वो कहती है कि आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन, मेरा ख्याल है कि जो तुम पूछना चाहते हो मैं जानती हूँ। तो वो ये कहता है कि तुम ये जानती हो कि जो मैं कहना चाहता हूँ, उसने मेरी वाइफ को और मेरी डॉटर को उसने कत्ल किया, मेरी बेटी को और मेरी वाइफ का मर्डर उसने किया। तो वो खातून ये कहती है कि शी वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, उस पर जुर्म आयद नहीं किया जाता, उस पर जुर्म आयद नहीं किया गया, और कि उसने शी वॉज नॉट इवन चार्ज विद मर्डर, ना ही उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया या ये कह लेंगे ये जुर्म साबित उस पर किया गया कि उसने मर्डर किया है। वो कहता है कि वो लोग तो इसको मैन स्लॉटर का नाम देते हैं। मैन स्लॉटर असल में वो कत्ल होता है जिसके अंदर इरादा ना किया जाए, गैर इरादी तौर पर कोई कत्ल हो जाए किसी भी वजह से, वो मैन स्लॉटर होता है। तो वो शख्स ये कहता है कि मैं तो ये जानता हूँ कि मैं अगर पुलिस की कोर्ट की बात करूँ तो वो तो इसको मैन स्लॉटर का नाम देते हैं, लेकिन मैं इसको मर्डर कहता हूँ, एक ऐसा मर्डर, प्लेन डेलिब्रेट हार्टलेस क्रूअल मर्डर, एक ऐसा मर्डर जिसको जानबूझकर किया गया और जो बड़ा ही बेरहमाना तरीके से जुल्म की हद तक पहुँचा हुआ मर्डर वो। तो वो कहती है कि इट वॉज़ एन एक्सीडेंट, तुम बात को समझो, वो मर्डर नहीं था बल्कि वो एक एक्सीडेंट था। तो वो कहता है कि नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट, नहीं बिल्कुल वो एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट के अंदर तो बचने का कोई चांस तो होता ही है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी इस जॉर्डी ओकेंटब की बात करूँ, देयर वॉज नो चांस अबाउट इट, इट वॉज अ मिलियन टू वन शी वुड किल समवन। अगर मैं उस काम के बारे में बात करूं जो मिसेस जॉर्डी ओकेंटब ने किया, तो वो एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट में तो किसी के बचने का चांस होता है, लेकिन इसने तो वो चांस भी किसी को नहीं दिया। और वो उसके बारे में मज़ीद ये बताता है कि वो औरत शराब के नशे में ड्राइविंग कर रही थी, शी वॉज कमिंग फ्राम कॉकटेल पार्टी, वो कॉकटेल पार्टी जा रही थी। कॉकटेल पार्टी वो पार्टी होती है जो कि शराब पीने के लिए सजाए, महफिल शराब आप कह लें उसको। वो कहता है कि चूंकि वो कॉकटेल पार्टी से आ रही थी और उसने एक अपने बहुत ही बिगड़े हुए दोस्त से 5 पाउंड पर ड्राइविंग की, उसने शर्त भी लगा बैट लगाई हुई थी, शर्त लगाई हुई थी, और वो जो ड्राइविंग कर रही थी उसकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर थी, और उसने स्टैंड ऑफ क्रॉस से टू द कोस्ट जाना था इन अंडर 15 मिनट्स, 15 मिनट से पहले पहले। तो अंदाज़ा लगा सकती हो कि ये रास्ता 15 मिनट के अंदर तय किया ही नहीं जा सकता, जबकि वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रही थी, और 5 पाउंड्स पर उसने ये शर्त लगाई हुई थी अपने एक दोस्त से, और शराब के नशे में भी थी, और उसका गुजर एक ऐसे एरिया से हो रहा था जो कि तामीराती, जहाँ पर काम चल रहा था, जो कि बिल्टअप एरिया था।
और इतनी तेज़ गाड़ी चलाने में जब उसका सामना एक लॉरी से हुआ कि सामने उसे एक ट्रक आ रहा था, एक लॉरी आ रही थी, तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे। ऑप्शन ये था या तो वो अपनी गाड़ी को उस लॉरी में से उससे टकरा दे और ख़ुद मर जाए, या पेवमेंट पे चढ़ा दे, वो फुटपाथ पर जिस पर चलने वाले राहगीर चलते हैं, और उस पर चढ़ा कर वो उन दो जानों को ले ले जिनमें से एक जान मेरी बेटी और दूसरी जान मेरी वाइफ की थी। तो उसने क्या किया, उसने किया ये कि अपनी जान उसने नहीं दी, खुद उसने लॉरी में अपनी गाड़ी को नहीं टकराया, अपनी जान उसने बचा ली, और उसने किया ये कि उसने पेवमेंट पर गाड़ी चढ़ा दी और मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को उसने इस तरह कत्ल कर दिया। अब तुम ही बताओ कि क्या ये मर्डर नहीं है, एक ऐसा मर्डर, एक ऐसा कत्ल जो कि डेलिब्रेट है, जो बाकायदा इरादे के साथ किया गया है। आई कॉल इट मर्डर। वो ये कहती है कि लेकिन पुलिस तो इसको मर्डर नहीं कहती, वो कहता है कि नहीं, पुलिस कहे या ना कहे लेकिन मैं इसको मर्डर कहता हूँ, एंड सो डू यू, और तुम भी कहती हैं, तुम इन योर हार्ट यू नो, तुम अपने दिल में तो इस बात को जानती हो, इट वॉज मर्डर। वॉट वर माई वाइफ एंड चाइल्ड टू हर, मेरी वाइफ ने और उस मेरी डॉटर ने उसका किया क्या था, उन्होंने तो उसका कुछ किया ही नहीं था। और वो एक ऐसी कैजुअल मीटिंग थी जो एक लम्हे के लिए उनके लिए हुई, और इस तरह उसने उनको कुचल कर रख दिया, जबकि उनकी जो पुश थी वो दूसरी तरफ थी, उन्होंने तो फेस भी नहीं किया कि सामने से गाड़ी आ रही है, वो तो अपना रुख दूसरी तरफ की हुई थी और जा रही थी, पीछे से आके इसने इस तरह उनको कुचल कर रख दिया। तो वो खातून कहती है कि हाउ डू यू नो, शी सॉ देम, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें ये बात कैसे पता है कि मिसेस जॉर्डी ओकैंटब ने उन्हें देखा भी था। तो वो ये जवाब देता है कि शी सेड एट दैट ट्रायल दैट शी डिडंट से, मैं जानता हूँ कि उसने मुकदमे में तो ये कहा था, अदालत में तो मिसेस जॉर्डी ओकैंटब ने कहा था कि मैंने उन दो जानों को नहीं देखा था जिनको मैंने एक्सीडेंट में मार दिया, बट शी सॉ देम ऑल राइट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसने उनको ज़रूर देखा था। एंड शी हैड टू चूज़ बिटवीन हर लाइफ और दियर्स, और उसके पास ये भी चांस था कि वो या तो अपनी ज़िंदगी बचा ले या उनकी ज़िंदगी बचा ले। सो उसने क्या किया, शी चॉस टू मर्डर दैम, उनको उनके कत्ल करने का उसने इंतखाब किया। तो वो खातून ये कहती है कि तुम इतने इसके बारे में यकीन से कैसे कह सकते हो, ये तो इट मस्ट हैव ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश, ये तो एक लम्हे में, एक यूँ समझो कि जैसे एक फ्लैश आया और गुजर गया, एक ऐसी अचानक लाइट जिस तरह गुजर जाती है, हो सकता है ये ज़रूर एक लम्हे में हो गया होगा। तो वो शख्स ये कहता है कि जो मिसेस जॉर्डी ओकैंटब का वकील था उसने उसको यही कहा था कि तुम ये कह देना कि तुमने उन्हें नहीं देखा था, और उसने ये पॉइंट उसको देकर उसके लिए एक ऐसा बचने का चांस बना दिया। सिर्फ उसको 18 महीने प्रिजन में रखा गया, 18 महीने की कैद। अब तुम बताओ कि क्या दो जानों को इस तरह बेरहमी से मारने की सज़ा क्या सिर्फ इतनी है कि उसको सिर्फ 18 महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाए। शी वॉज प्रजेंट ओनली फॉर 18 मंथ्स। वो कहती है कि उसको सज़ा मिल गई है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, और वो कहता है कि ये सज़ा कोई सज़ा नहीं है, सज़ा तो अब उसके साथ वो शुरू होगी जो मैं उसके साथ करने वाला हूँ। तो वो कहती है कि वैन यू मीट विथ मिसिस जॉर्डी ओकैंटब वाट डू यू परपज़ टू डू। अब तुम जब उससे मिलने के लिए जा ही रहे हो तो तुम्हारा आखिर मकसद क्या है उससे मिलने का। तो वो कहता है कि किल हर, मैं उसको कत्ल कर दूँगा, आई शैल किल हर। तो वो खातून जब ये सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कॉन्ट डू दैट। तो वो कहता है कि नहीं, अब तो मैंने जहन बना लिया और मैं उसको बड़े ही पेनफुल वे में, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको कत्ल करूँगा। तो वो कहती है कि विल यू गिव हर एनी वार्निंग, कोई वार्निंग भी तुम उसको दोगे। वो बोलता है कि ये नेचुरली उसको पता चल जाएगा कि अब मैं उसको पनिश देने जा रहा हूँ, उसको तकलीफ़ का ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो कहती है कि तो कल तुम उसको कत्ल करने जाओगे। तो कहता है कि हाँ है तो ऐसे ही, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हो सकता है कि आज रात ही मैं उसको कत्ल कर दूँ, इतना टाइम मैं उसको दूँ ही नहीं। वो कहती है आज रात? तो वो कहता है कि आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा।
तो खातून ये कहती है कि बट वाई आर यू टेलिंग मी अबाउट योर प्लान, तुम मुझे अपने प्लान के बारे में क्यों बता रही हो, क्यों बता रहे हो तुम? इफ़ आई टेल द पुलिस, अगर मैं पुलिस को बता दूँ तो तुम क्या करोगे? वो शख्स कहता है कि आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। और थोड़ी देर फिर खामोशी रहती है और वो खातून सडनली टर्न हो जाती है और अपने आप को दहशत में और खौफ में अपने आप को श्रिंक करना शुरू करती है, और ये करीब होता है कि वो चीखने ही वाली है, और उसके अचानक ही एक्सप्रेशन, उस शख्स के अचानक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो मुस्कुराने लगता है और अपने हाथों को आग की तरफ फैला लेता है और बड़ी फ्रेंडली वे में फिर कहता है कि हमारी जो मीटिंग थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। वॉज दैट अ नाइस लिटिल स्टोरी टू पास द टाइम? तुम्हें क्या लगता है कि ये टाइम गुजारने का मैंने कैसा तरीका अख्तियार किया, मैंने अच्छा किया या नहीं, कि मैंने तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो तुम्हें यकीन अच्छी लगी होगी, ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? अब उसने बात को बिल्कुल अचानक बदल दिया है और उसके खौफ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दी है। वो कहता है कि वी कुड हैव स्पेंड दीज 20 मिनट्स इन लुकिंग एट ईच अदर, या ये भी हो सकता था कि हम ये 20 मिनट इस तरह गुजारते कि हम सिर्फ तुम एक दूसरे को देखते रहते और इसी तरह ये वक्त गुजर जाता और हम एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। तो खातून ये कहती है कि हाउ डिड यू नो आई वॉन्टेड टू बी अम्यूज, तुमने ये सब कुछ मुझे अगर खुश करने के लिए किया है तो तुम ये बताओ, ये स्टोरी सुना के तुमने खुश करने की कोशिश की तो एक कैसे पता था कि मैं खुश होना चाहती हूँ? कहता है कि ये तो हर खातून का, हर औरत का ही ये मामला है। बहरहाल वो ये कहती है कि योर आइडिया ऑफ एन अम्यूजिंग स्टोरी इज़ टू वायलेंट फॉर माई टेस्ट, ये तुम बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, मेरे लिए तो ये बिल्कुल वायलेंट था, ये तुम्हारा ये स्टोरी का ये आइडिया मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई तुम्हारी स्टोरी, कि तुमने तो मुझे इस तरह खुश करने की कोशिश की है जबकि मुझे कोई खुशी नहीं हुई। अब वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि कन्विंस टू मी दैट यू लव इट, इस बात का इकरार करो कि तुमने इस चीज़ को, इस स्टोरी को पसंद किया है, एंड दैट, और ये भी कहो कि इससे तुम्हारी रगों पे में, तुम्हारे जिस्म के रेशे रेशे में खौफ की लहर दौड़ उठी थी। वो कहती है कि नो आई डिडंट एंजॉय इट, मैंने तो बिल्कुल इसको एंजॉय नहीं किया। हाँ ये कि ये स्टोरी पार्शली किसी हद तक जुज़वी तौर पर ये बात सच्ची भी है, और ऐसा भी है कि मिसेस जॉर्डी यूकेंटा वाकई स्टैनथॉर्प में रहती है। आई डू नो हर, मैं उसे जानती भी हूँ, और ये भी मैं जानती हूँ कि उसने एक औरत को और एक छोटी बच्ची को कत्ल भी किया था इन अ मोटर एक्सीडेंट, ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बैट, उसने शर्त भी लगाई हुई थी, और वो 18 महीने वो कैद में भी रही। तो वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। वो खातून कहती है कि फिर जहाँ तक उसके शौहर का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से वो तुम ही हो उन बच्चियों, उस बच्ची और उस औरत के जिनको मिसेस जॉर्डियो कैंडम ने कत्ल कर दिया था इस तरह। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ वो, ये कहानी बिल्कुल सच है कि मैं ही हूँ वो। तो वो कहती है कि एवरी थिंग इज़ ट्रू अबाउट, ये भी सारी बातें सच है, हाँ इस बात पे मुझे यकीन नहीं है, और बस इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि तुमने ये जो कहा कि तुम उसको कत्ल करने के लिए जा रहे हो ये बात सच्ची नहीं है बस इस स्टोरी में। वो कहता है कि ये बात भी सच्ची है और मैं उसको कत्ल करने ही जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि ये बात अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं चीखूंगी। अब जनाब दोबारा से एक टेंस कंडीशन दोबारा से आ गई है, और वो कहती है कि अब मैं चीखूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया। तो वो जाता है और दरवाज़ा खोलता है और बाहर का शोर जब सुनाई देता है तो वो कहता है कि नो वन विल हियर यू, कोई भी तुम्हें सुनेगा नहीं, बाहर की आवाज़ सुन लो। दरवाज़ा खोलता है और बाहर का शोर जब सुनाई देता है तो वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, बाहर आवाज़ ही नहीं जाएगी और कोई समझ नहीं पाएगा, नथिंग यू कैन डू विल सेव हर, तुम किसी तरह भी उसको बचा नहीं सकती। इफ़ यू ट्राई टू गिव मी अवे, अगर तुमने जान छुड़ाने की कोशिश की तो क्या होगा? वो अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकालता है और उस पर तान देता है, पॉइंट्स टू एट हर, और उस पर तानने के बाद कहता है कि इफ़ यू ट्राई टू
शी रिकॉल्स, वो पीछे हट जाती है जब ऐसा होता है, और वो शख्स पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, अपने बैग पर वो दरवाजे को रखता है। देयर इज़ अ रैटलिंग एट द डोर, जब वो दरवाजे पे खड़खड़ात लेकिन नॉक होते ही कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है, तो इस तरह वो अपने बैग पे दरवाजे को रखता है और आगे को बढ़ता है, अपने हथियार को जेब में रखता है और लेकिन उस पर हाथ भी रखता है। और इस तरह जाके जब वो दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है कि पॉटर, वो कुली, वो दोबारा आ गया था। और वो जैसे ही आता है तो ये उससे फौरन पूछता है कि पॉटर, क्या ट्रेन ने सिग्नल दिया, क्या ट्रेन आ रही है? वो कहता है नो सर, नॉट येट, अभी तो नहीं आ रही, मुझे लगता है कि ट्रेन जो है वो द एक्सप्रेस इज़ रनिंग अ बिट लेट, थोड़ी लेट हो गई है वो, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, इट वॉन्ट बी एंटिल 9:05 पर, 9:05 तक वो यहाँ पर नहीं होगी अभी, सो यू नीड नॉट टर्न आउट इन द रेन, आपको बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं रहें। तो वे इसका शुक्रिया अदा करता है कि बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें यह बता दिया। और वो पूछता है कि आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल हम ठीक हैं, यहाँ पर तुम जा सकते हो। अब जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है तो ये आवाज़ उसको दे देती है और कहती है कि पॉटर। अब जैसे ही पॉटर को वो आवाज़ देती है और वो उसकी तरफ घूमता है कि क्या हुआ खातून, लेकिन इसने अपने निगाहें इस पर गाड़ रखी हैं और इजाज़त नहीं दी है इस बात की कि कोई गड़बड़ करे, कि पॉटर को कुछ बता दे कि मैं इसको मारने वाला था। तो फौरन ये अपना डायलॉग बदल देती है और कहती है कि इज देयर अ रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस पे, ट्रेन पे कोई रेस्टोरेंट कार, मतलब खाने पीने का सामान वगैरह तो होगा ना वहाँ पर, कोई ऐसा होटल तो होगा। वो कहता है कि देयर इज़, हाँ है तो, बट द स्टाफ हैज़ पैक्ड अप, लेकिन जो स्टाफ है वो जा चुका है, एंड गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीच इज़ हियर, और यहाँ ट्रेन के आने से पहले वो लोग तो जा चुके हैं। वो कहते हैं हाँ, वो घर चले गए। कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब ही का डायलॉग आ जाता है और वो कहता है कि सो वी हैव 5 मिनट्स मोर। अब पॉटर तो जा चुका है तो वो अब इसको कहता है कि हाँ, तो अब हमें 5 मिनट और मिल गए, वी हैव 5 मिनट्स मोर। तो वो कहती है कि व्हाट डू यू परपस टू डू विद देम, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है ऐसा करने से? वो कहता है कि इट्स जस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू, बस मुझे तो इतना वक्त चाहिए था कि जिसमें मैं तुम्हें कत्ल कर सकूँ। वो बोलती क्यों मुझे? बोलता हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम ही मिसेस जॉर्डी यूकेंटप हो, तुम ही मिसेस जॉर्डी यूकेंटप हो। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यू कांट मीन दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता। वो कहता है कि मेरा यही मतलब है, और तुम ही मिसेज ऑडियो कॉन्टर हो जिसने मेरी वाइफ और डॉटर को कत्ल किया, और तुम ही ने उनकी जान ली इस बेदर्दी के साथ। वो कहती है कि परहैप्स यू हैव, बट माई पनिशमेंट हैज़ बीन वेरी बिटर, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जो तकलीफ़ तुम मुझे देने वाले हो, मैं इससे ज़्यादा तकलीफ झेल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे 18 मंथ्स इन प्रिजन जो गुजारना पड़े है वो मेरी तकलीफ़ थी? तुम अगर मुझे वाकई तकलीफ़ देना चाहते हो तो तकलीफ़ तुम मैं अभी बर्दाश्त कर रही हूँ। हर लम्हे मेरे सामने वो मंज़र अचानक आ जाता है मेरी निगाहों के सामने कि जब मैंने तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी वाइफ को इस तरह मैंने कत्ल किया था। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, चूँकि स्टोरी थोड़ी सी रह गई है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चले आते हैं। थैंक यू वेरी मच।